कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुहर्रम में जो हमारे वहाँ दूध का शरबत बनता है उसकी रेसिपी, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत कम चीज़ों से। तो मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या लगेगा। मैंने एक कप चीनी को लिया था और इसे इलायची के साथ पीस लिया था ताकि इलायची भी इसमें पीस जाए। थोड़े से ये देखिए मेरे पास गुलाब की पत्तियाँ हैं जिसको मैंने अच्छे से धुल के सुखा लिया था। ये सौंफ है एक टेबल स्पून के करीब। ये नारियल का पाउडर है मेरे पास, नारियल का बुरादा भी इसे कहते हैं। ये काजू बादाम चिरौंजी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और ये 1.5 लीटर के करीब दूध है हमारे पास। तो जो चीनी मैंने पीसी थी उसमें थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें छोड़ दी है। अब ये गुलाब के पत्ते और सौंफ इसमें डाल के मैं फाइन पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या था। जो मैंने सौंफ लिया था और गुलाब की पत्तियाँ ली थी उसमें मैंने 2 इलायची और ऐड करके और ये थोड़ी सी चीनी के साथ मैंने इसको जो है इसमें पीस दिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना दिया है इसका। अब हमें करना क्या है, मैंने जो ये 1 कप चीनी पीस के रखी थी ये हम 1.5 लीटर दूध में मिक्स करेंगे। आप चीनी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसे अच्छे से पहले चला के मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी मिनटों में बन जाता है और बहुत टेस्टी होता है। तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, जब भी आपका शरबत पीने का मन हो तो इजी तरीके से आप इसे बना लें। बस ये हमने जो सौंफ का और गुलाब की पत्तियों का पाउडर था उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो सारी चीज़ें पीस के रखी थी वो और चीनी सारी कुछ घुल गई थी। फिर मैंने इसे जो है छान लिया था क्योंकि उसमें इलायची के कुछ और सौंफ के कुछ खड़े पीसेस रह गए थे उसके छिलके वगैरह, तो उसको मैंने एक बार छान लिया था छन्नी में। अब यहाँ पे मैंने ये जो केसर के कुछ दाने मैंने भिगो के रखे थे थोड़े से ल्यूकवार्म मिल्क में, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने दरदरे कूट रखे हैं उसको भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। ये नारियल का बुरादा भी मैं इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अगर आपको फौरन पीना है तो आप आइस क्यूब डाल के भी पी सकते हैं। तो लीजिए ये शरबत बिल्कुल हमारा बनके है तैयार, बहुत कम चीज़ों से और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी रेसिपीज़ के लिंक्स हैं तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा हमारा शरबत बनके बिल्कुल तैयार है बिना किसी तामझाम के। तो देर किस बात की है, बनाइए और पीजिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।